पर उन सपनों को तोड़ा किसने? तुमने सुरभि, तुमने। मैंने नहीं तोड़ा कार्तिक, उस रिश्ते को आपने तोड़ा, मेरे विश्वास को आपने तोड़ा। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मुझसे सब कुछ छिन गया तब आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका, और अब आप दोबारा वही कर रहे हैं जिसके सहारे मैं जी रही हूं, वही आप मुझसे छीनना चाहते हैं कार्तिक। बस कार्तिक, अब मैं आपको और कोई खेल नहीं खेलने दूंगी। अब हर बार इस खेल में हार आप ही खेलोगे कार्तिक, क्योंकि आपके पास अब कोई और चाल नहीं बची है चलने के लिए। अब आप मेरी खुशी को भी नहीं भड़का सकते, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को सब कुछ सच सच बता दिया, और अब मुझे आपकी किसी भी धमकी से कोई डर नहीं लगता कार्तिक। देखो खुशी, देखो कि झूठे इंसान कैसे होते हैं, देखो इन्हें। और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे पहली सीख है। चलो। प्लीज रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो। मैं ही तुम्हारा असली पापा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप झूठ बोलते हैं। खुशी बेटा, खुशी मेरी बात, खुशी देख कमाल, बोली थी ना मैं तेरे को, पति को सच मालूम है आनी पत्नी को नहीं, करके अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कार्तिक का जो सच्चाई ना, ये सुरभि के वास्ते उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बनेगा। और ये सुरभि की सच्चाई, ये कार्तिक के वास्ते उसकी नौटंकी। चला आपस में ही लड़ मरेंगे दोनों, अपने को क्या, उन बस मजा लेंगे इधर खड़े। हाल बना लिया कार्तिक अपने अपना, बस भी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा खुद को क्यों दे रहा है? क्या तरीका है तेरे जीने का कार्तिक? भाई और क्या करूं मैं, हाँ और कैसे जीऊं? मेरी एक बात कान खोलकर सुन कार्तिक, तू गया ना सुरभि को मनाने, हाँ गया ना, ये तेरी माँ ये भी गई, मैं भी गई, हाथ जोड़े उस लड़की के सामने, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के दोबारा जाने से कुछ होने वाला है, इसलिए मेरी राय में ये किशोर को जाना चाहिए। किशोर और सुरभि की बनती है, हो सकता है कि किशोर उसे समझा पाए। जिसको जाना चाहे, जिसको जो समझाना समझाए, I don't care। मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर वो मेरी बेटी मुझे दे देती है तो फिर मैं भी तैयार हूं अपनी जिंदगी उसके साथ एक छत के नीचे बिताने के लिए। हो सकता है कि मैं भी उसे माफ कर दूं। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में, उस तकलीफ से बाहर निकला। तका की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग
आइए ना। सुरभि, आप लोग यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक करने के लिए तो आए सुरभि, तुम्हें और खुशी को ले जाने के लिए आए। जतिन, किशोर जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक बार बताइए कि किस आधार पर आप मुझे ले जाना चाहते हैं वहाँ? क्या कार्तिक ने मुझे माफ कर दिया? क्या वो सब कुछ भूल गए? तो किस सच के बलबूते पर जाऊं मैं वहाँ पर? वही सच जो तो दुनिया के सामने झुटलाती आई है कि खुशी तुम दोनों की बेटी है। अब इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? आज आपने साबित कर दिया हिमाती कि खून खून ही होता है, खून के रिश्ते का पलड़ा हमेशा भारी होता है। कार्तिक आपके सामने चाहे जितना भी झूठ बोले, लेकिन आप हमेशा उनकी बातों पर ही यकीन करेंगे। सुरभि, मेरे लिए सच और झूठ हमेशा रिश्तों से ऊपर रहे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है, और गलतफहमियां दूर होने से हमेशा पड़ती है। उन्हें दूर करने के लिए पास आना पड़ता है। सुरभि, हमारे रिश्ते में हमेशा दूरियां कार्तिक ने डाली, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किशोर जी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर भी कार्तिक ने आपको क्या कहकर भेजा है? गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। ये धर्म युद्ध है बाप्पा, धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में जीत हमेशा सच की होती है। लेकिन जो सच पापा जानते हैं उसे मानने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है कार्तिक? एक पत्नी होने के नाते मैं कभी कमजोर नहीं पड़ी। एक औरत के रूप में मैं हमेशा अपनी हिम्मत बांधी रखी। मैंने हर रिश्ते हिम्मत से मुश्किलों का सामना करते आई, लेकिन आज एक माँ कमजोर पड़ गई है कार्तिक। अब क्यों क्यों मुझे तोड़ने पर तुले हुए? क्यों ये बात समझ नहीं रहे कि अगर खुशी को ये सब कुछ पता चलेगा तो इन सब का असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा? हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज खुशी की जिंदगी के बारे में सोचिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच कर ही कर रहा हूं। अगर तुम चाहती हो कि मेरी बेटी इन सब से ना गुजरे तो अपना गुनाह कबूल कर लो और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई गारंटी। किस गुनाह की बात करें कार्तिका? बार बार एक ही बात दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाएगा? मुझसे नफरत की सजा मेरी बच्ची को क्यों दे रहे आप? आज सिर्फ तुम्हें मेरी नफरत दिखाई दे, मेरी बहन थी हम, मोहब्बत तो याद नहीं होगी तुम्हें, है ना? जो सबूत आप मुझसे मांग रही थी वो दिखाना चाहता हूं आपको। इस सबूत को देखने के बाद आपके मन में शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ये देखिए आप, और तुम भी देखो। साहब, पिछले 7 साल से जो बच्ची सुरभि के साथ रह रही है ना, वो वही बच्ची है जिसे मैंने हॉस्पिटल से किडनैप किया था। ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। गलती से भी तेरे मुंह से खुशी की सच्चाई उस कार्तिक बर्वे के सामने नहीं आनी चाहिए। और क्या सबूत चाहिए आपको? इससे बड़ा सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता कि सुरभि उस किडनैपर के साथ मिली हुई है। आपको पता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको जेल भी हो सकती है।